सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुबह की सभा में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रार्थना शुरू करेंगे। तो अपने हाथों को जोड़िए, आंखें बंद करिए और चलो प्रार्थना शुरू करते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना और सिखाना। कितना भी पढ़ जाएं हम, कभी नहीं बिसराएं हम, जो फिर शीश नवाते हैं हम, पढ़ने लिखने जाते हैं हम। बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना और सिखाना। तो बच्चों, आज क्या दिनांक है? आज है 19 अगस्त 2021 और आज का दिन है गुरुवार। बच्चों, इस महीने का हमारा क्या वादा है? मैं कभी पत्ते और फूल नहीं तोड़ूंगा। तो बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें फूल और पत्ते कभी भी बिना वजह नहीं तोड़ने चाहिए। इस महीने का क्या विचार है? स्वच्छता और हरियाली हमारा आदर्श मकसद है। हाँ, और हरियाली कैसे होगी? जब हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ों का रंग कैसा होता है? हरा। और इस महीने का रंग भी है हरा। क्या क्या चीज़ें हरी होती हैं? हरी घास, हरी पत्तियाँ, हरी जैकेट और हरी हरी तितली। बच्चों, इस सप्ताह का हमारा विषय क्या है? इस सप्ताह का विषय है फल। तो चलिए आज कुछ फलों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ फलों के बारे में। तो आज हम कौन कौन से फल देखेंगे, क्या आप मुझे बता सकती हो ये कौन सा फल है? ये है पपीता। और पपीता कौन से रंग का होता है? पीले रंग का। पपीता खाने में बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। पपीता हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा दिल बहुत स्वस्थ रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें पपीता खाना चाहिए। तो दूसरा फल ये है अंगूर। और अंगूर खाने में कैसे होते हैं? खट्टे मीठे, है ना? और अंगूरों से हम क्या बनाते हैं? किशमिश। किशमिश भी जो है वो अंगूर से ही बनती है। ठीक है, जब अंगूर को सुखा देते हैं तो उससे बनती है किशमिश। ठीक है, तो बच्चों आज हमने देखा पपीता और अंगूर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपको फल रोजाना खाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक कहानी। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारी सी कहानी। और इस कहानी का शीर्षक क्या है? फल चले पिकनिक। तो पिकनिक जाना किस किस को अच्छा लगता है? हम सबको अच्छा लगता है। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें फल पिकनिक पे जा रहे थे। ठीक है, एक दिन की बात है, आम बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। उसने सोचा, आज है रविवार और मैं तो बैठा हूँ, मेरे पास तो कोई काम करने को नहीं है, तो क्यों ना मैं पिकनिक पे चले जाऊं। जहाँ आम रहता था वहां दूर एक पहाड़ी थी। आम रोज उस पहाड़ी की तरफ देखता था। उसने सोचा, क्यों ना आज मैं वहां जाके देखूं, आखिर वहां पे क्या है। तो आम उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे कौन दिखा? सेब। तो आम ने सेब से पूछा, सेब भाई क्या तुम मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे? तो सेब ने कहा, हाँ भाई हाँ, मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पे जरूर चलूंगा। तो सेब और आम दोनों साथ साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कौन दिखा? पपीता। और सेब और आम ने पपीता से पूछा, क्या आप मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे? तो पपीते ने कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पे जरूर चलूंगा। फिर आम, सेब और पपीता साथ साथ में निकल पड़े। और उन्हें रास्ते में कौन दिखा? संतरा। उन्होंने संतरे से पूछा,
संतरे भाई संतरे भाई, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक पे चलोगे? तो संतरे ने कहा, वैसे तो मेरे पास कुछ काम करने को नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ पिकनिक पे चलूंगा। और फिर वो सब एक साथ निकल पड़े। तो रास्ते में उन्हें और कौन कौन मिला? रास्ते में उन्हें मिला केला, अंगूर और अनानास। तो सब फल साथ में पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आपको पता है फिर क्या हुआ? रास्ते में उन्हें दिखी बहुत बड़ी खाई और उन्हें उस खाई को पार करना था, लेकिन उस खाई के ऊपर तो कोई पुल ही नहीं था। फिर फलों ने सोचा, चलो क्यों ना हम एक पुल बनाएं। फिर उन्होंने लकड़ी को काटा और पुल बनाना शुरू किया। सेब ने कहा, चलो मैं सबसे पहले जाके देखूंगा कि पुल कितना मजबूत है। जैसे ही सेब पुल पे चढ़ा तो क्या हुआ, पुल हिलने लगा और सेब भागे वापिस आ गया और पुल नीचे गिर गया। लेकिन फलों ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से पुल बनाया और इस बार कौन गया? अनानास। अनानास ने कहा, मैं पहले पुल पे जाऊंगा और अगर पुल नहीं टूटा तो फिर हम सब पार कर लेंगे। लेकिन इस बार भी वही हुआ, पुल हिलने लगा और अनानास पीछे आ गया और पुल गिर गया। लेकिन फलों ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से पुल बनाया और इस बार पुल बहुत मजबूत था और सारे फल उस पुल को पार कर गए। और फिर उन्होंने अपनी पिकनिक में खूब एंजॉय किया। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और फिर हम एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।